नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं सुभाष जयपाल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो अपने क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंटों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को पुश करें, इसके कारण अपने तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल पाए कि नई क्लास आज शुरू होने वाली है। आज सामान्य बुद्ध के अपने अंदर अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे अपने आवेश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आवेश। आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चार्ज जिसको अपने क्यू से लिखते हैं, इसकी अपने बात भी की थी पहले कि आवेश क्या है, आवेश को किसमें मापा जाता है। तो आवेश क्या? एक चार्ज है। क्या है? चार्ज। जैसे मेरे पास कोई भी एटम है, ये मेरे पास एक कोई भी परमाणु है, ये परमाणु का मान लिया क्या है, इसका नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। अब यहां पे ये है कक्ष। क्या है? कक्ष। और कक्षों के अंदर फ्री स्वतंत्र रूप से कौन घूमता है? तो वो घूमता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आपके पास तो प्रोटॉन पे चार्ज की बात की थी ना, प्रोटॉन पे जो चार्ज था, यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज था वो कौन सा चार्ज था दोस्तों? तो वो था आपका पॉजिटिव चार्ज। कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज था। आपके पास कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था? तो वो था इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। परंतु दोनों के चार्ज की अगर बात करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी जो वैल्यू थी 1.6 इंटू दी 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम किसका चार्ज है? प्रोटोन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अब ये दोनों के दोनों चार्ज है ना, वो एक दूसरे के क्या अपोजिट है। ये पॉजिटिव चार्ज को डिपेंड कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज को डिपेंड कर रहा है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और आपके पास क्या बचा? आपके पास दोस्तों बचा न्यूट्रॉन। क्या बचा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन आपने पता है उदासीन, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो मेरे पास एक स्वतंत्र परमाणु है या फ्री है, ये बिल्कुल क्या है? फ्री। सामान्य अवस्था में ये क्या रहता है? तो इसकी बात मैंने की थी, तो ये क्या था उस समय? उदासीन था। एक स्वतंत्र परमाणु अगर वो बिल्कुल फ्री है तो वो क्या है? उदासीन है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट में बराबर है। इसके कारण दोनों चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आपके पास जो चार्ज बचता है वो बचता है जीरो, जिसके कारण आपका न्यूट्रॉन यहां पे क्या? उदासीन। तब एक परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्या रहता? उदासीन रहता। अब इसके ऊपर आवेश की अगर बात करें कि आवेश क्या है, तो मैं क्या करता हूं, इस परमाणु के ऊपर कोई भी एनर्जी लगाता हूं। क्या लगाता हूं? ऊर्जा। इसके रूम में आप हीटिंग एनर्जी दे सकते हो, एक रूम का सामान्य तापमान हो सकता है, कमरे का सामान्य तापमान हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगा सकते हो उसके ऊपर। पोटेंशियल का मतलब आप विभवांतर अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्या करता हूं, कोई चार्ज लगाता हूं या कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाता हूं, एनर्जी के द्वारा जब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देता हूं, प्रवेश करवा देता हूं, यानी एक स्वतंत्र परमाणु के अंदर। अगर आपके पास परमाणु स्वतंत्र है तो वो उदासीन है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है, यानी पी बराबर क्या होता है? ई होता है। अगर आपने किसी एनर्जी के द्वारा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया, प्रवेश करवा दिया, तो मेरे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या हुई? बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो गया किससे? प्रोटॉन से। तो इस पे चार्ज कौन सा मेंटेन होगा, उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? उसमें ऋणात्मक आवेश। कौन सा आ जाता है? ऋणात्मक आवेश। अब इस परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर आप क्या करते हो,
इस परमाणु से किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल देते हो, बाहर निकाल देते हो, यानी इस परमाणु से मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल दिया, इसे बाहर निकाल दिया कोई एनर्जी के द्वारा, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेस देन हो गया किससे, प्रोटॉन से। तो आपका जो चार्ज मेंटेन करेगा इस परमाणु पे, कौन सा चार्ज आ जाएगा, वो आएगा धनात्मक आवेश। क्या आएगा, धनात्मक आवेश। तो अगर कोई भी बॉडी, बॉडी का मतलब कोई भी जो पदार्थ है उसके ऊपर अगर आपको कोई भी चार्ज लगाना है तो आपको उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ती है, और एनर्जी के द्वारा या तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते, प्रवेश करवाते हो, या इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल लेते हो, वहां से बाहर निकाल लेते हो। उस बॉडी के ऊपर क्या आता है, चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज या तो आप जब इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, प्रोटॉन पे, तो उसका ऊपर चार्ज आएगा, वो कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। अगर उसे इलेक्ट्रॉन को आप क्या निकालते हो, बाहर निकाल लेते हो कोई एनर्जी के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन लेस देन हो जाएगा किससे, प्रोटॉन से, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पे एक बात देखने वाली है कि आवेश के लिए जो उत्तरदायी है, आवेश के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन उत्तरदायी है, तो वो दोस्तों देखो कौन उत्तरदायी है, तो आपके पास जो उत्तरदायी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हो या इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हो, प्रवेश करवा रहे हो, तो आपका जो उत्तरदायी है वो कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, या उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन मेंटेन करेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपने बाकी बात भी की थी कि किसी भी चीज में जो आवेश को डिपेंड करते हैं, जैसे आपके पास जो आवेश आता है क्यू इजकल टू, आप लिख सकते हो एन इंटू में क्या ई, एन क्या है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी एक परमाणु में आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ई, उसके ऊपर क्या हो गया चार्ज, यानी कितना चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या एक परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसका क्या होगा, आवेश, या उसका क्या कहलाएगा दोस्तों, चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश या चार्ज कहलाता है, जो किसके अंदर आता है, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है माइनस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब देखो अपने को कोई ये बात पूछ लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर इतना है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ रही है तो उसका कुल आवेश किसके बराबर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, अगर मेरे पास q इक्वल टू आपने लिखा है n इंटू में e, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास एक है तो आप लिखो एक से गुणा कर दो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पे दो है तो आप दो से गुणा कर दो उसके चार्ज को, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है तीन है तो आप क्या कर दो उसके चार्ज को तीन से गुणा कर दो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, आपके पास चार्ज कहलाएगा, उसका कितना टोटल चार्ज आ रहा है। यानी एक सिंपल बात करते हैं, जैसे अपने को कोई बात में ये पूछ लेता है कि कोई भी परमाणु है, कि आपके पास एक कोई भी परमाणु है वो क्या है द्वि, कोई भी परमाणु है वो आपके पास क्या है एक द्वि ऋणात्मक है, एक परमाणु, परमाणु द्वि ऋणात्मक है, अगर उसमें प्रोटॉन की संख्या, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन की संख्या मान लिया 14 है, कितनी है 14, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो एक नॉर्मल सी बात है कि परमाणु द्वि ऋणात्मक है, इसका मतलब उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, वो नेगेटिव चार्ज को डिपेंड करवा रहा है, कितने चार्ज को डिपेंड करवा रहा है, नेगेटिव चार्ज को डिपेंड करवा रहा है। अगर उसमें प्रोटॉन की संख्या मेरे को पता है 14 है, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होगा किससे, प्रोटॉन से, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी उसमें दोस्तों, तो वो होगी 16। अगर उसमें 14 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 16, क्योंकि वो कहता है द्वि ऋणात्मक है। अगर इसी प्रश्न को कोई यहां पर बोलता है कि यह द्वि धनात्मक था, एक परमाणु द्वि धनात्मक है, अगर उसमें क्या बोलता है कि प्रोटॉन की संख्या आपको दी हुई है मान लिया, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आप निकाल सकते हो, यानी प्रोटॉन की संख्या दी है तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है तो आप प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हो।
तो वही बात है यहां पे कि जो चार्ज है वो किसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिपेंड करेगा, या इलेक्ट्रॉन यहां तो प्रवेश कर जाएगा, उत्तरदायी कौन है चार्ज के लिए उत्तरदायी है वो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, नहीं कि प्रोटोन, यानी इलेक्ट्रॉन यहां तो प्रवेश करेगा एनर्जी के द्वारा या इलेक्ट्रॉन एनर्जी के द्वारा यहां से क्या निकल जाएगा आपका बाहर निकल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालते हो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है धनात्मक, अगर आप प्रवेश करवाते हो कौन सा चार्ज आता है ऋणात्मक आ जाता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपके पास क्या है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर आपको कोई यह पूछ लेता है एक कूलम यानी एक कूलम इसके बराबर होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो एक कूलम किसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं एक कूलम में 1.6 × 10⁻¹⁹। समझ में आ गई मेरी बात, यानी एक कूलम चार्ज किसके बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो एक कूलम इसका कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 19 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको जैसे ही आप हल करते हो ना तो एक कूलम बराबर आपके पास जो वैल्यू आती है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम के अंदर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है ये बराबर होता है। कई बुक में आपने रट्टा मार रखा है कि एक कूलम बराबर 6. किसी ने 28 लिख रखा है, आपने पता लगना चाहिए कि ये कहां से आया है, तो ये जो वैल्यू आपको मिलते हैं वो यहां से मिलते हैं, एक कूलम इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इसको जैसे ही आप हल करते हो आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है, यानी एक कूलम 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के क्या है बराबर है, यानी एक कंडक्टर के अंदर या किसी परमाणु के अंदर जब इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जब फ्लो होते हैं तो उसके द्वारा एक कूलम का आवेश फ्लो हो जाता है। और आपने पढ़ा है इससे पहले क्यू बराबर क्या है आईटी, क्या है आईटी, क्यू बराबर आपके पास क्या है आईटी है, आईटी का मतलब धारा इंटू समय, क्यू इजकल टू आई टी है, तो आपने पढ़ा था आई बराबर क्या होता है पिछली क्लास में, तो क्यू बट्टा में टी, यानी आवेश प्रवाह की दर क्या है धारा है, आवेश प्रवाह की दर क्या है धारा है। तो आप एक लिख सकते हो बात, यानी एक एम्पियर आई का मतलब आप आई बराबर यह भी लिख सकते हो एक कूलम, यानी सिंपल बात है एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटा एक कूलम प्रति सेकेंड, सॉरी तो एक एम्पियर किसके बराबर है, तो आप यह लिख सकते हो इसको आगे में एक एम्पियर बराबर एक कूलम प्रति सेकेंड होगा, एक कूलम प्रति सेकेंड होगा, यानी एक एम्पियर किसके बराबर है, तो आप एक एम्पियर में क्या लिख सकते हो एक कूलम किस में क्या लिखा जा सकता है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, यानी जब एक चालक के अंदर एक एम्पियर की धारा प्रवाह होती है तो उसके अंदर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर क्या होते हैं प्रवाह हो जाते हैं। अब अपने को कोई यहां पे पूछ लेता है एक मिनट में कितने प्रवाह होंगे, तो आप किसके साथ गुणा कर दोगे मिनट में सेकंड निकाल लो, एक घंटे में कितने प्रवाह होंगे तो आप उसके साथ गुणा करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यह किसके बराबर है एक एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति क्या होगा सेकंड होगा, यानी एक एम्पियर धारा जब किसी चालक में प्रवाह होती है तो उसमें 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्या होते हैं गुजर जाते हैं। तो यह होता है एक एम्पियर और यह होता है दोस्तों एक कूलम। समझ में आ गई होगी मेरी बात यहां तक। देखो चार्ज क्या है, चार्ज की अपने बात की थी कि चार्ज क्या है किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी, बॉडी का मतलब कोई पदार्थ, पदार्थ किससे बना है परमाणुओं से, उसके ऊपर जब आप एक बाह्य एनर्जी लगाते हो, बाह्य एनर्जी के द्वारा जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाता है किससे प्रोटॉन पे, तो उसका चार्ज कौन सा आता है दोस्तों नेगेटिव। अगर बाह्य एनर्जी के द्वारा आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन लेस देन हो जाता है किससे प्रोटॉन से, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है धनात्मक। परंतु अगर वो फ्री है
तो फ्री में सभी को पता है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, तो उस समय वो कौन सा परमाणु आपका उदासीन होता है। उसके बाद आपने पूछा चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या है, किसी भी परमाणु का चार्ज है वो उसका इलेक्ट्रॉन मेंटेन करता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या करवा रहे हो, प्रवेश करवा रहे हो। उसके बाद आपने बात की थी कि आपके पास ये यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना इतना आवेश है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो एक कूलम बराबर एक बटा एक पॉइंट छह इंटू टेन टू दी पावर 19 को जैसे ही आप हल करते हो तो एक कूलम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती, इतनी होती है। दूसरी बात आपके पास देखो आई इक्वल टू क्यू बटा टी है, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर एक कूलम का आवेश एक सेकंड के लिए जब प्रवाह किया जाता है तो उसमें एक एम्पियर की क्या होती है, धारा प्रवाह होती है, एक एम्पियर एक कूलम प्रति सेकंड के बराबर है और एक एम्पियर बराबर क्या होगा फिर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी एक चालक या एक बॉडी के अंदर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब एक सेकंड में प्रवाह हो जाते हैं तो उसमें एक एम्पियर की धारा प्रवाह होती है। तो यह बात थी किसकी दोस्तों, चार्ज की बात थी, यह अपने किसकी बात थी, चार्ज की बात। तो यह था आपका चार्ज, चार्ज के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो इसमें अब देखो आवेश को आपको दो प्रकार से इकाई पूछ सकता है यूनिट चार्ज के बारे में। जैसे एक तो आपने ये पढ़ा था त्रिकोण के द्वारा आपको पहले मैंने बताया था, यहां पे आपने क्या लिखा था जी वर्ग कार्य, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर और यहां पे आवेश की क्यू। एक आपने भी बात की थी ये क्या है दोस्तों आवेश आई करंट और टी क्या है इसका टाइम। इसमें आपके पास देखो इलेक्ट्रिकल जो वर्क था उसमें आपने पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता दोस्तों वी क्यू होता है, क्या होता है वी क्यू। अब अपने को वो दो बातें पूछ सकता है, एक बार एग्जाम में पूछा था उसने कि एक जूल प्रति कूलम या कूलम किसके बराबर होता है। अब सभी बच्चे सोचने लगे कि जूल और कूलम का तो पोटेंशियल के साथ तो कोई डिफरेंस अंतर पोटेंशियल के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है, परंतु देखो यहां पे पोटेंशियल के साथ इसका संबंध है। एक जूल प्रति कूलम बराबर क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है एक क्या होता है एक वोल्ट होता है। क्योंकि आप देखो यहां पे नॉर्मल सी बात है, किसमें आएगा आपके पास तो ये आएगा आपके पास किसमें आएगा दोस्तों वो आएगा जूल में, ये किसमें आएगा आपके पास तो ये आएगा दोस्तों किसमें वोल्ट में, और ये किसमें आएगा दोस्तों तो ये आएगा किसमें कूलम में। तो देखो आपको क्या पूछ रहा है, एक वोल्ट एक जूल प्रति कूलम इक्वल टू क्या है एक वोल्ट है, तो ये भी बात आपके पास क्या है सही है। तो आप ये भी लिख सकते हो ना एक कूलम किसके बराबर है, यानी एक कूलम एक इकाई चार्ज किसके बराबर होता है, इकाई चार्ज किसके बराबर है आपके पास तो वो होता है एक जूल प्रति वोल्ट के बराबर है। एक तो बात ये सही है आपकी कि वो आपको पूछ सकता है एक कूलम किसके बराबर है, तो एक जूल प्रति वोल्ट के बराबर है। ऑप्शन में आपको मान लिया ये नहीं दिया हुआ कि एक कूलम किसके बराबर है, तो एक जूल प्रति वोल्ट आपको ऑप्शन में नहीं दिया। इसमें देखो इस त्रिकोण में आप देखोगे, देखो आवेश किसमें आएगा आपके पास कूलम में, धारा किसमें आएगी एम्पियर में, समय किसमें आएगा सेकंड में। तो ये देखो एक कूलम किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है दोस्तों एक एम्पियर क्या है एक एम्पियर सेकंड, एक एम्पियर सेकंड यानी एक कूलम बराबर एक एम्पियर सेकंड भी होता। तो ये भी बात आपकी सही है और ये भी बात आपकी सही है। प्रश्न में कई बार क्या करता है दोनों ऑप्शन भी डाल दिए आपको, ऑप्शन ए में ये दे दिया, बी में आपने ऑप्शन आपको ये दे दिया और सी ऑप्शन में बोलता है ए व बी दोनों। तो आपको एग्जाम के टाइम थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी है, कई बार आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है दोस्तों
इसके कारण आपने पहला ऑप्शन देखा, इसको राइट कर जाने वाले ऑप्शन आप पढ़ते ही नहीं। परंतु उसमें ऑप्शन कौन सा सही था? ये भी ऑप्शन सही था, क्योंकि एक कूलम्ब बराबर क्या है, जूल प्रति वोल्ट भी होता है, और एक कूलम्ब बराबर क्या है, एक एम्पियर सेकंड भी होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही राइट था? सी ऑप्शन राइट था कि आपके पास एक कूलम्ब बराबर एक एम्पियर सेकंड और एक कूलम्ब बराबर एक जूल प्रति वोल्ट भी होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये बात थी किसकी, चार्ज की बात की थी। चार्ज का मतलब आपने किसकी बात की थी, आवेश की बात की। किसकी बात की दोस्तों? आवेश की बात की। तो ये था आपके पास एक चार्ज, ठीक है। देखो इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अपने अगला टॉपिक विभव, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोटेंशियल क्या है, यानी विभव क्या है। विभवांतर की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूं, विभव की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज होती है और विभव क्या है, अलग चीज है। आप इसकी परिभाषा में क्या लिखते हो? अनंतता से किसी बिंदु तक लाए जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अनंतता से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है? विभव। इस बात में कोई आपकी डेफिनेशन मेरे समझ में नहीं आती है कि आप इस चीज में क्या स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहे हो। आपने पढ़ रखा, आपने बोल दिया। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल क्या है? जैसे मेरे पास एक कोई भी एक बॉडी है, ये वाली बॉडी, इसका ये क्या दोस्तों, बॉडी किससे बड़ी है? परमाणुओं के संयोग से। परमाणुओं के संयोग से क्या बना है? अणु बना हुआ है दोस्तों। और अणु के, परमाणु के नाभिक में क्या है? प्रोटॉन। और क्या है? न्यूट्रॉन। और यहां पे क्या आपके पास? इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस बॉडी के नाभिक में सभी अंतरणविक बल के कारण सभी प्रोटॉन आपस में क्या है? बंधे हुए हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अपने अंतरणविक बल के कारण क्या होता है? बंधा रहता है। अगर ये क्या है उस समय? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। तो मैंने बात की थी, ये क्या है बॉडी आपकी? उदासीन बॉडी है। क्या है? उदासीन। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं? आपने पोटेंशियल को डिफाइन करना है। पोटेंशियल का मतलब ये बॉडी में चार्ज आएगा। क्या आएगा? चार्ज। चार्ज दो प्रकार का आएगा। ये तो आपके पास कौन सा चार्ज आएगा दोस्तों? पॉजिटिव आएगा, या कौन सा आएगा? नेगेटिव। वो आपने भी पढ़ा है कि आपको बॉडी में या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने इसके ऊपर कोई भी एनर्जी लगा के, कोई भी एक एनर्जी लगाकर इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज। अब मेरे को पता है अगर ये बॉडी के ऊपर आपके पास ये बॉडी नेगेटिव चार्ज रखती है, कौन सा चार्ज रखती है? नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज दोस्तों भी आपने बात की थी, कब होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होता है किससे? प्रोटॉन से। अब वो यहां पे एक बात कहता है कि मैं इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं? पॉजिटिव चार्ज, तो ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी क्या क्या करेगा? आकर्षित करता है। क्योंकि ये चार्ज कौन सा आपके पास? नेगेटिव है। और ये चार्ज आपके पास कौन सा है? पॉजिटिव है। जैसे अगर आपके पास ये हो जाता, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इसको क्या करता? उस समय रिपल्स करता, यानी दूर धकेलता। क्या धकेलता? दूर। यानी एक बॉडी के पास जब दूसरी बॉडी लाई जाती है, अगर दोनों बॉडियों में समान चार्ज है, क्या है? समान चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा लगेगा? रिपल्सन होता है उस समय। अगर दोनों में असमान चार्ज है, जैसे यहां पे कौन सा चार्ज आ गया आपके पास? कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अगर यहां पर आपके पास कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आ जाता है, तो उसको यह क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज इसको दिया, उस समय आपका चार्ज क्या होता है? चलता है दोस्तों।
क्या होता है चार्ज चलता है, आवेश क्या हो रहा है चला है। और जब आपका आवेश चलता है उस समय क्या होता है वर्क डन होता है वो किसके बराबर पड़ा आपने W इक्वल टू V इंटू में Q पड़ा। यानी आपके पास जैसी आपने दो बॉडी दी और उन बॉडियों में चार्ज अगर आपके पास असमान है तो वो क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, और उस समय जब अट्रैक्ट होता है तो उस समय क्या होता है आपका वर्क होता है, और उस समय जो वर्क हो रहा है आवेश फ्लो हो रहा है, और आवेश फ्लो होने के कारण जो आपका यहां पे क्या लग रहा है पोटेंशियल, क्या लग रहा है पोटेंशियल, यानी ये V क्या है ये पोटेंशियल है। यानी जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज था तो दोनों में अट्रैक्ट हुआ चला क्या आवेश, उस समय क्या हुआ आपका वर्क होता है और वही आपका क्या है पोटेंशियल है। यानी किसी बिंदु के अंदर ये चार्ज को लेके कौन जा रहा है तो आवेश के कारण फ्लो हो रहा है। यानी जब ये बॉडी नेगेटिव थी और ये क्या थी आपके पास पॉजिटिव थी, आपने जैसे नोट किया होगा जैसे आपके पास दो इलेक्ट्रोड है ये एक बॉडी मान ली आपने बना दी ये कॉपर की है जैसे आप सेल में नॉर्मली यूज करते हैं, एक कॉपर की बॉडी पे आपके पास कौन सा चार्ज डिपेंड कर दिया आपने बोल दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको पॉजिटिव बना दिया, क्या बना दिया पॉजिटिव। आपके इसके पास आपने कौन सा चार्ज डिपेंड कर दिया, एक आपने मान इलेक्ट्रोड और लिया जैसे ये ले लिया आपने इसके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया इसका बना दिया मान लिया आपके पास जिंक एंड जस्ता क्या जस्ता, उस समय आपने एनर्जी लगाई है इसके ऊपर कौन सी एनर्जी डिपेंड किया आपने रासायनिक ऊर्जा इसमें रासायनिक पदार्थ डाल दिया जैसे आपने क्या डाल दिया रासायनिक पदार्थ। और जैसे रासायनिक पदार्थ डालते हो अब इन दोनों बिंदुओं को जैसे ही आप मिलाते हो ये तो ये क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है तो इन दोनों में क्या होता है अट्रैक्शन होता है यानी ये आवेश अब क्या होगा चलेगा यहां पे और उस समय क्या होता है आपका वर्क डन होता है दोस्तों क्या होता है वर्क डन। तो प्लस का मतलब क्या है ये हाई है इसका ये इसका क्या है ये इसका एचपी है एचपी का मतलब इसका हाई पोटेंशियल है यानी इसको तो बोलेंगे अपने दोस्तों उच्च विभव क्या बोलेंगे उच्च विभव और इसको एन नेगेटिव को अपने क्या बोलेंगे उस समय इसको बोलेंगे दोस्तों निम्न विभव क्या बोलेंगे निम्न विभव यानी तो आपके पास उच्च विभव है और एक आपके पास निम्न विभव है। जैसे एक बात करता हूं मैं आपके पास एक पोटेंशियल दिया आपने दो बिंदु आपके पास एक आपने इसका मेन पॉइंट ले लिया जैसे आपने ये पॉइंट तो डिपेंड किया है ये ले लिया भूमि का यानी एक ले लिया आपने भूमि का विभव यानी अर्थ का विभव मान लिया भूमि या अर्थ का विभव सभी को पता दोस्तों कितना होता है जीरो ये जीरो है। अब मैं मानता हूं एक और इसके क्या है जीरो से ज्यादा क्या है प्लस इसका मतलब हाई पोटेंशियल इसको तो क्या बोलूंगा मैं एचपी और इससे कम होगा उसको क्या बोलूंगा मैं एलपी क्या बोलूंगा एलपी। तो मेरे पास ये तो हाई पोटेंशियल है और ये इसका क्या है लो पोटेंशियल है तो मेरे को पता है उस समय आपका क्या होता है आवेश फ्लो होता है कैसे दोस्तों वो चलता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर यानी जो वर्क हो रहा है यानी अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता आपका पोटेंशियल यानी अनंतता का बिंदु क्या था पॉजिटिव किसकी ओर आ रहा है ये इस नेगेटिव की ओर आ रहा है इसके कारण पोटेंशियल के कारण ये तो आपका हाई पोटेंशियल था और ये आपका क्या था लो पोटेंशियल था और ये आपका क्या है ये बिंदु है इसका आधार और आधार बिंदु को अपने क्या मानते हैं अर्थ का विभव या भूमि का विभव है वो आपके पास क्या है शून्य अगर इस शून्य से ज्यादा होगा तो वो उसका हाई पोटेंशियल होगा अगर इस शून्य से क्या होगा कम होगा तो वो उसका क्या होगा लो पोटेंशियल होगा। वही बात है पोटेंशियल क्या है तो पोटेंशियल किसी बिंदु पर डिपेंड करता है कि वो हाई पे है या किस पे है लो पे। जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं मेरे पास एक सेल है ये सेल इसका आप लिखते हो जैसे छोटे सिरे को माइनस लिखते हो बड़े को क्या लिखते हो प्लस लिखते हो जैसे मैंने एक बात की यहां पे आपके पास पांच वोल्ट है इसका पोटेंशियल कितना दोस्तों पांच वोल्ट पोटेंशियल किसमें मापते हैं वोल्ट में मापते हैं इसका पोटेंशियल माना आप कितना है दो वोल्ट है। तो मैं एक बात कहता हूं कि जब इन दोनों की बात करेंगे कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी क्या है
तो मैं बोलूंगा ये तो इसका क्या है दोस्तों एचपी है, और ये इसका क्या है एलपी। अब इसको ये नहीं लिखोगे कि माइनस फोर वोल्ट, नहीं, ये इसका लोअर पोटेंशियल है और ये इसका क्या हाई पोटेंशियल। पीडी क्या आपके पास पांच माइनस दो इसका तो कितना है तीन वोल्ट, कितना है तीन वोल्ट। तो ये क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते विभवांतर, क्या बोलेंगे विभवांतर। यानी दो बॉडी होती है आपके पास, एक तो हाई पोटेंशियल पे होती है, एक क्या होती है लो पोटेंशियल पे। अगर दोनों में मैं बात करता हूं कि दोनों का चार्ज अगर आप बोलो बराबर आता है, क्या है बराबर है, जैसे आपके पास ये भी प्लस का दो है, ये भी प्लस का क्या है दो है, तो क्या आवेश फ्लो हो सकता है, आपका वर्क डन हो सकता है। जैसे आपके पास दो बिंदु है, ये आपका मान लिया बी ए है और ये आपके पास मान लिया आपका बी बी है, जो मैंने पहले भी बात की है। अगर इन दोनों का मान बी ए बराबर क्या है बीपी है, तो आपका क्या वर्क डन हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दोनों पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बराबर है। तो वही बात है यहां पे कि किसी बिंदु से, ये अनंतता का कोई बिंदु है, अनंतता से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका विभव कहलाता है। तो ये इसका पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल, और इन दोनों बिंदुओं का जो अंतर है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्या बोलते हैं उसको दोस्तों विभवांतर, क्या बोलते हैं विभवांतर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभव की सभी को पता है जो इकाई है, विभव का आपको बोले आधार कितना है, उसका आधार आपके पास जो अर्थ का विभव लिया जाता है वो कितना आपके पास जीरो है, उससे हाई भी हो सकता है, उससे क्या हो सकता है आपका लो भी हो सकता है। जैसे आप नॉर्मली नोट करते हो ना, रासायनिक ऊर्जा के दौरान क्या करते हो, एक को प्लस बोलते हो, एक को क्या बोलते हो माइनस बोलते हो, यानी एक तो आपका हाई पोटेंशियल पे है और एक आपका क्या उस समय लो पोटेंशियल पे होता है। तो एक तो हाई पे है और एक क्या है लो पे, प्लस का मतलब हाईर पोटेंशियल होता है और माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल होता है। एक का मतलब हाईर पोटेंशियल, तो प्लस का बात यहां पर की थी, प्लस का मतलब इसका क्या है ये हाई पोटेंशियल है और माइनस का मतलब इसका क्या है लो पोटेंशियल है। और मैंने ये जो अर्थ का था इसको मैंने इसको क्या मान लिया आधार, या इसको रिफरेंस मान लिया, इसका रिफरेंस क्या आपके पास जीरो है, यानी आधार का जो आपने अर्थ का जो रिफरेंस माना है ना वो जीरो है, यानी अर्थ का विभव क्या होता है तो सभी को पता है जीरो होता है। अब जैसे मैं एक बात करता हूं कि जैसे एक बिंदु आपके पास ये है, यहां पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है प्लस का, और एक इसका पोटेंशियल आपके पास मान लिया क्या है जीरो विभव है, यानी जीरो पोटेंशियल। जैसे आपने ये बोल दिया माइनस है तो ये इसका क्या होगा प्लस बड़ा होगा, इसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया अर्थ के साथ मान लिया। अर्थ के साथ तो उस समय मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है लो पोटेंशियल से, लो का मतलब माइनस के पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, उस समय क्या हो रहा है आपका वर्क डन हो रहा है। तो पोटेंशियल क्या करवा रहा है वर्क करवा रहा है, आप पढ़ोगे क्या डब्ल्यूजल टू क्या है विक्यू है, क्या है विक्यू, और वीजल टू क्या है डब्ल्यू बटा में क्यू है, यानी ये जो पोटेंशियल है ये वर्क डन करवा रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने कहा इसमें एक कूलम का आवेश फ्लो हुआ, क्या हुआ दोस्तों एक कूलम का आवेश फ्लो होता है कि 10 वोल्टेज का मैंने पोटेंशियल लगाया पर उसका रिफरेंस मैंने जीरो ले लिया वहां पे, तो यहां पे कितने वोल्टेज का वर्क डन हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, और वोल्टेज का मान यहां पे कितना पोटेंशियल आ रहा है 10 है, आवेश कितना फ्लो एक, कितना वर्क हो रहा है यहां पे 10 जूल का। तो उस समय पोटेंशियल के कारण आपका क्या हो रहा है वर्क डन हो रहा है। तो वही क्या कहता है यहां पे अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या है विभव है। तो ये होता है दोस्तों पोटेंशियल, यानी माइनस का मतलब क्या होता है लोअर पोटेंशियल और प्लस का मतलब क्या होता है हायर पोटेंशियल। वो जीरो रिफरेंस से अगर छोटा है, आपने रिफरेंस क्या लिया है जीरो, अगर उससे कम है तो उसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल यानी माइनस से लिखेंगे, अगर उससे क्या है वो बड़ा है तो उसको किससे लिखेंगे हायर पोटेंशियल से लिखेंगे। तो आगे अपने बात करेंगे ईवी, यानी ईवी क्या है, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है आपने इससे पहले पढ़ा ऊर्जा, ऊर्जा की एक बहुत छोटी सी इकाई है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऊर्जा की छोटी इकाई, छोटी इकाई। जैसे आपने बड़ी इकाई में जैसे ऊर्जा की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है
आपने पढ़ा था व्यापारिक में, व्यापारिक विद्युत ऊर्जा की इकाई या यूनिट वो क्या है, सभी को पता है KWH, यानी उसको क्या बोलते हो अपने दोस्तों, यूनिट कहते हैं। वही बात है, ये ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जो 1 eV है ना, 1 eV आपके पास जो 1 eV है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब दोस्तों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इनटू क्या हो जाएगा, एक दोस्तों वोल्ट, एक वोल्ट। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो डिपेंड करता है, वो आपने पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, जैसे आपने पढ़ा था एक कूलम बराबर, आपने क्या पढ़ा था, एक कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन, या इसमें यह भी होता है एक कूलम 3 × 10^9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये भी एक छोटी इकाई है, यानी एक कूलम किसके बराबर है, तो वो 3 × 10^9 ESU के बराबर होता है, या एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही बात है दोस्तों, ये दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसने क्या पूछा, एक इलेक्ट्रॉन, मैं एक इलेक्ट्रॉन की जगह ये मान नहीं लिख सकता, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास एक कूलम बराबर ही लिख सकते, एक कूलम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आपके पास बहुत ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो किसके बराबर है, यानी 1 eV किसके बराबर होगा, किसका आवेश क्या है, 1.6 × 10^19 इंटू में क्या लिख दोगे आप दोस्तों, 1। तो ये क्या है, ये क्या है आपका 1 eV है, क्या है 1 eV, यानी 1 eV = 1.6 × 10^-19 आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो ये आपके पास है 1 eV, ये ऊर्जा की क्या है, एक छोटी इकाई है, ऊर्जा की क्या है, बहुत छोटी इकाई है। इसमें कई बार प्रश्न आता है कि 1 eV के अंदर, प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि 1 eV किसके बराबर है, तो 1 eV किसके बराबर है, 1.6 × 10^-19 या क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो गया, और यहां पे क्या आ गया दोस्तों, ये कूलम आवेश आ जाता है, और ये आपके पास क्या है, वोल्ट। यानी किसी भी परमाणु पर आप, या किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो, उसमें इतना आवेश अगर फ्लो हो जाता है, इतना आवेश यानी 1.6 × 10^19 कूलम अगर आवेश फ्लो होता है, तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों, वो 1 eV के बराबर होता है। 1 eV में आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे आपके पास ये काम में आएगा, आपने देखो जैसे आप जब आप पढ़ोगे लोग इसमें बेंड थ्योरी पढ़ोगे ना, बेंड थ्योरी तब ये बहुत काम में आता है। इसमें आपने बात करते हैं जैसे इसका, तो ये बैलेंस बैंड है, कौन सा बैंड है दोस्तों, बैलेंस बैंड, और ये इसका कौन सा है, ये आपके पास इसका कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, या बोलते हैं दोस्तों एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। अभी बहुत छोटी इकाई है, सिंपल बात करें, अगर इसमें फॉरबिडन गैप ये जो बनता है, तो चालक के लिए, चालक यानी कंडक्टर का जो ईबी होता है ना, ईबी वो 0 eV के बराबर होता है, यानी इसका जो फॉरबिडन गैप होता है वो 0 eV का होता है, क्योंकि इसके कंडक्शन बैंड के अंदर बैलेंस बैंड में सभी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस बैंड के में तो सभी के इलेक्ट्रॉन, चाहे चालक है, चाहे कुचालक है, चाहे अर्धचालक है। अब आपका पता है कि यहां पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक के बहुत ज्यादा होती है, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो फॉरबिडन गैप बनता है ये बिल्कुल न के बराबर बनता है, न के बराबर बनता है, यानी इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और इसका फॉरबिडन गैप जो बनता है वो लगभग कितना होता है आपका, 0 eV का होता है, या एनर्जी गैप कितना होता है इसका, 0 eV का होता है। उसी प्रकार देखो आप कुचालक यानी इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है दोस्तों, एनर्जी गैप, इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप है, ये दोस्तों यहां पे लिख सकता हूं एनर्जी गैप, इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप आपके पास होता है वो लगभग कितना होता है, 15 eV के, कितना होता है दोस्तों, 15 eV,
15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होता है। इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका जो फॉरबिडिंग गैप है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी इसका फॉरबिडिंग गैप बड़ा होता है। और इसका एनर्जी गैप का जो मान है वो कितने के मान के बराबर होता है, 15 ev के बराबर होता है। यानी कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। उस एनर्जी का मान कितना होता है दोस्तों, 15 ev के बराबर होता है। इसके बाद बात आती है सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक। उसका जो एनर्जी गैप होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, वो लगभग आपका होता है 1 ev। क्या होता है, 1 ev। इसके कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग, तो इसके कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका फॉरबिडिंग गैप थोड़ा सा क्या होता है, संकरा होता है, यानी होता जरूर है परंतु इससे क्या होता है, चालक से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, और कुचालक से थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये थी बात दोस्तों ईवी की। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई है। क्या है, बहुत छोटी इकाई है। परंतु कोई आपको यह पूछ लेता कि ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है, विद्युतिक व्यापारिक इकाई क्या है, तो वो क्या है, kWh। और एक kWh सभी को पता है किसके बराबर है दोस्तों, एक यूनिट, जिसको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, BOP। अब मैंने बात की थी 1 ev का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब ये किसके बराबर, ये 1 ev के बराबर होता है। और 1 कूलम किसके बराबर है, 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, और 1 कूलम बराबर क्या होता है, 10³⁹⁹⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको बोलते हैं स्थिर विद्युतिक इकाई होती है। अब देखो चालक में कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वैलेंस बैंड में सभी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका फॉरबिडिंग गैप या एनर्जी गैप होता है बिल्कुल नए के बराबर होता है। और इसका एनर्जी गैप होता है, उसकी एनर्जी चाहिए आपको क्या चाहिए, 0 ev, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ये क्या होता है, चालन कर देता है करंट का। दूसरी बात, कुचालक का एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, और कितना मान होता है, तो 15 ev। और अर्धचालक का कंडक्शन बैंड में आपको कोई चीज, कुचालक में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो नगण्य होते हैं, न के बराबर होती नहीं है। अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और इसका फॉरबिडिंग गैप या एनर्जी गैप बिल्कुल क्या होता, पतला होता है। इसका एनर्जी गैप का जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, लगभग 1 ev के बराबर होती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने क्लास को नया ज्वाइन किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नियमित रूप से रोजाना क्लासें मिलेगी, और प्रत्येक क्लास के आप नोट्स जरूर बनाएं, शेयर करें। धन्यवाद।